प्रीमियर प्रो सीसी में हम चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे थे, जो है बेसिक कलर कुरेक्शन। इसका हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है परफॉर्मिंग सेकेंडरी कलर कुरेक्शंस। वीडियो में हम अदर कुरेक्शंस देखेंगे, जिस तरह हमारे पास एडजस्ट करते हैं हम लेयर्स को, और जिस तरह मल्टीपल फिल्टर्स हमने अप्लाई किए थे मल्टीपल क्लिप्स के ऊपर, तो उनकी लेयर्स को हम किस तरह सेट करेंगे, या उनको किस तरह चेंज करेंगे, या उन्हें किस तरह मॉडिफाई करेंगे, हम ये इस वीडियो में देखेंगे। पहले हमारे पास बेस पे एक बटन है, उसको क्लिक करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। ये हमारे पास सीक्वेंस सेटिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है, लिहाजा इसे ओके कर देते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल के अंदर एडजस्ट लेयर्स का ऑप्शन है, इसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन पे, और इसे हम एडजस्ट करेंगे जिस तरह हमारे पास इन क्लिप्स के तरह, इसे भी मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम इफेक्ट टैब्स में जाते हैं, वहां से हम लोग स्विच करेंगे और स्क्रॉल करके बैक एंड डे फिल्टर ऐड करते हैं। हमारे पास जितने भी ब्लो क्लिप्स हैं उनके ऊपर सीपीएल अप्लाई हो चुका है, इसे हम ऑन एंड ऑफ करें तो हमारे पास कंप्लीट फिल्टर्स को शो कर रहा है, मल्टीपल जो फिल्टर्स हैं उनको भी शो कर रहा है, जो कि वैरायटी ऑफ लुक्स हैं एक हमारे फिल्टर में। इस तरह हमारे पास ये ड्रीम्स लुक है जिसको हमने देखा, तो हमारे पास और भी डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो हम ड्रीम्स को अगर टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो इसे अनचेक कर देंगे। इसके अलावा हम गार्जियन फिल्टर अगर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास सबसे पहले गार्जियन ब्लर ऐड करते हैं, जिस तरह हमने ये ऐड किया तो ये हमारे पास पूरे प्रोग्राम पे ब्लर इफेक्ट ऐड हो गया। बाद हम ओरिजिनल एडजस्टमेंट लेयर को इस पे ड्रैग करते हैं टाइमलाइन पे, अब हमारे पास लुक जो शो की लुक है वो चेंज हो गई है। अगर हम गार्जियन ब्लर को टर्न ऑफ करें तो हमारे पास साइज इमेज का चेंज हो चुका है। कोई फिल्टर करते हैं जिस तरह प्रस्पेक्टिव के ऑप्शन में हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये एक फिल्टर है जो कि मॉडिफाई कर रहा है टिल्ट और साइज को इमेज के, इसे हम स्मॉल भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हम स्पेक्युलर हाईलाइट करें तो ये हम लोग इसे करें तो ये लाइट सोर्स को, लाइट वगैरह की सोर्स को हमारे पास शोर करेगा, जिस तरह हमारी इमेज पे लाइट पड़ रही है। अगर हम साइज अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें फिल्टर फाइंड करना है जो कि हमें ये जॉब परफॉर्म करें।